हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं बहुत ही क्रीमी सा कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग। इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ओवन वगैरह की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे आज बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक पैन और इसके ऊपर मैंने डाल दी है 1/4 कप चीनी और इस चीनी को हमें बिना पानी के मेल्ट करना है, यानी कि हमें इसे कैरमलाइज करना है। तो ये देखिए, चीनी इस तरह से मेल्ट हो गई है और थोड़ी देर बाद इसका कलर इसी तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, आप इसमें पानी नहीं डालना है। और ये देखिए कितना अच्छा सा कैरेमल टॉफी का जो कलर होता है वैसा कलर आ गया है इसका। बस हमें इसी कलर तक इसको कुक करना है और ये बिल्कुल रेडी है कैरेमल। और अब हमें इसको डाल लेना है एक टिन में। तुरंत ही आप इसको डाल लें, वरना अगर ये एक बार जम जाएगा तो इसको टिन में स्प्रेड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरह का मैंने मोल्ड लिया है, उसके अंदर मैं इसे डाल ले रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुरंत आप इसको इस तरह के मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये देखिए, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने इसे। और अब यहाँ मैंने लिए हैं 6 पीसेस ब्रेड के। यहाँ मैं नॉर्मल जो हमारी मैदा वाली ब्रेड आती है वो ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली टेस्टी ये इससे ज़्यादा लगता है। तो ब्रेड की किनारियाँ जो है वो मैंने हटा दी और इनको इस तरह से कट कर ले रही हूँ मैं थोड़े छोटे टुकड़ों में। हमको बेसिकली ब्रेड को ग्राइंड करना है बिल्कुल फाइन पाउडर्ड फॉर्म में। और अब ये अच्छे से छोटे टुकड़े हो गए हैं इसके। अब मैं ले लूँगी एक मिक्सर जार और इसके अंदर ये सारे टुकड़े जो हैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब हमें इसे पीस लेना है जिससे कि हम इसका फाइन पाउडर बना लें। तो ये देखिए, हमारा जो ब्रेड का पाउडर है बनके रेडी है। हमने ब्रेड को अच्छे से पीस लिया है। ये ध्यान रखिएगा ब्रेड में लम्प्स ना रहें, यानी कि ब्रेड में बड़े टुकड़े ना रहें, वरना जो आपका कस्टर्ड है, कैरेमल पुडिंग है, वो थोड़ा सा लम्पी बनेगा, यानी कि उसके अंदर लम्प्स पता चलेंगे। तो अब हमने ले लिया है यहाँ पर एक कढ़ाई और इसके अंदर हमने डाला है 1.5 कप मिल्क और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप चीनी। और जब तक चीनी और मिल्क बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपना कस्टर्ड का जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून यानी कि 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से घोल ले रही हूँ मैं 1/2 कप पानी में। तो बिल्कुल लम्प फ्री बैटर मिक्सचर इसका भी बनना चाहिए। और मिल्क और चीनी जो है अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने बनाया था वो। और डालते समय ये ध्यान रखें कि आप इसे स्टर करते रहें, यानी कि चलाते रहें। और थोड़ा सा चलाने के बाद ये इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पे ही हम इसके अंदर धीरे धीरे करके ब्रेड की जो हमने पाउडर बनाया था वो ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करते जाएँ। सारा ब्रेड का पाउडर एक साथ ना डालें, वरना जो मिक्स कर रहे हैं हम उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ और वैसे ही मिक्स करें। और अब मैं सारा पाउडर इसके अंदर डाल दूंगी और हम एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और अब ये सारी की सारी ब्रेड का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है और ये बैटर हमारा बनके रेडी है। बस अब हम इसे हल्का सा चला लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। और अब हम इस बैटर को जो हमने कैरेमल बना के रखा था एक मोल्ड में उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा बराबर कर देंगे इस तरह से और ऐसे टैप कर देंगे जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। और अब हम इसको ढक देंगे एल्युमिनियम फॉयल से। ये नॉर्मल एल्युमिनियम फॉयल है जो कि हम रेगुलरली घरों में यूज़ करते हैं।
और अब हमें इसे करना है स्टीम। स्टीम करने के लिए यहाँ हमने ली है बड़ी कढ़ाई, उसके ऊपर रखा है स्टैंड, और पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा उसके ऊपर हम ये मोल्ड रख देंगे और इसको लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। ये ध्यान रखें कि पानी बीच में अगर ख़त्म हो जाए तो और पानी ऐड कर दें स्टीम के लिए। और आधे घंटे बाद मैंने इसको स्टीमर से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद हम इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैंने एल्यूमिनियम फॉयल हटा दी है और अब इसको हम एक प्लेट पे इस तरह से उल्टा करके निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलिशियस सा कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनके रेडी है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी इसके अंदर किसी भी टाइप के लम्प्स नहीं है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए पास से कितनी ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ बनी है ये कस्टर्ड पुडिंग। तो आप भी इस कस्टर्ड पुडिंग को घर पे बना के ट्राई करें, और थोड़े से टिप्स का ध्यान रखें कि आप इसको अच्छे से ठंडा होने दें पहले रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद फ्रिज में लगभग 2 घंटे के लिए, उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करें। और बाकी के जो मैंने स्टेप्स बताए हैं और जो भी क्वांटिटी बताई है इंग्रेडिएंट्स की, उसे फॉलो करें तो बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट कस्टर्ड पुडिंग आप घर पे बना पाएंगे। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।